वेद और पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। इसके लिए मान्यता है कि इसकी इच्छाओं में मांगी गई हर कामना पूरी होती है। तो आइए जानते हैं हमीरपुर जिले में मौजूद ऐसे ही कल्प वृक्ष के बारे में, जिसके नीचे बैठने से हर मनोकामना पूरी होती है। आस्था का कल्प वृक्ष, कुदरत का चमत्कार, हमीरपुर में दुर्लभ प्रजाति का पेड़ 24 घंटे देता है ऑक्सीजन। पुराणों में है कल्प वृक्ष का जिक्र। वीडियो में दिख रहा ये वृक्ष कोई मामूली पेड़ नहीं है, बल्कि ये कुछ खास है, जिसका जिक्र पुराणों में भी है। इस दुर्लभ वृक्ष को धरती पर लाने वाले भगवान कृष्ण हैं, जो अपनी पत्नी सत्यभामा के कहने पर इसे धरती पर लाए थे। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस दुर्लभ वृक्ष के नीचे बैठकर मांगी हुई मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। इसलिए कल्प वृक्ष के दर्शन के लिए दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं और मनोकामनाएं मांगते हैं। ऐसा मान्यता है, लोग मानते हैं, तमाम लोग आते हैं। जो अभी मकर संक्रांति आ रही है, जब ग्रहण होता है तब, और इसके अलावा जो तमाम मौके आते हैं, लोग बैठ करके यहाँ जप तप करते हैं और उससे उनकी मनोकामनाएं सिद्धि होती हैं। लोग यहाँ तक बताते हैं कि जिसकी शादी न होती हो, वो जा करके वहाँ सफ़ेद रंग का या लाल रंग का डोरा बांधा हुआ, साल भर के अंदर उसकी शादी हो जाती है। इसका पौराणिक जहाँ महत्व है, तो लॉर्ड कृष्णा, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने रिक्वेस्ट की थी, जिससे लॉर्ड कृष्णा इसको स्वर्ग से लेकर धरती पर लाए थे। इस कल्प वृक्ष की उम्र 1000 साल बताई जाती है। इस वृक्ष की खासियत ये है कि इसका तना हाथी के पैर जैसा दिखाई देता है, जबकि इसकी छाल एकदम हाथी की खाल जैसी दिखाई पड़ती है। दुर्लभ प्रजाति का ये वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जिससे आसपास का माहौल खुशनुमा बना रहता है। दरअसल ज्यादातर इस प्रजाति के वृक्ष साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये वृक्ष मुख्य रूप से बाराबंकी में है, वहाँ ये पाया जाता है। दूसरा ये सबसे बड़ा वृक्ष जो है हमीरपुर में है, प्रयागराज में भी पाया जाता है, लेकिन जहाँ तक ये हमीरपुर के इस वृक्ष का प्रश्न है, ये 98 में उस वक्त तत्कालीन कलेक्टर संजय भाटिया साहब ने जो रिसर्च कराई थी, क्योंकि उनकी फादर बैकग्राउंड भी फॉरेस्ट की थी, तो लगभग 1000 वर्ष पुराना ये वृक्ष बताया जाता है। और इसकी जो पौराणिक महत्व है और साइंटिफिक महत्व, दोनों विषय पर मैं चर्चा करना चाहूँगा कि इसका पौराणिक जहाँ महत्व है, तो लॉर्ड कृष्णा, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने रिक्वेस्ट की थी, जिससे लॉर्ड कृष्णा इसको स्वर्ग से लेकर धरती पर लाए थे। और विशेषकर ये साउथ अफ्रीका में भी और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। वहीं भारत में ये वृक्ष चुनिंदा जगहों पर ही पाया जाता है। हमीरपुर के अलावा प्रयागराज, बाराबंकी और महोबा में भी ये वृक्ष पाया जाता है। कल्प वृक्ष अपनी लंबाई, चौड़ाई और प्राचीनता के हिसाब से सबसे अलग है। शायद यही वजह है कि यमुना नदी के तट पर मौजूद इस ऐतिहासिक कल्प वृक्ष को हमीरपुर की पहचान कहा जाता है। आना टीवी के लिए हमीरपुर से अरुण श्रीवास्तव की रिपोर्ट।